हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए सुपर हेल्दी फूड शेयर करने जा रही हूँ। इस फूड को खाने से आपके बेबी का वजन दोगुना भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपके बेबी को भरपूर मात्रा में सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे जो कि बेबी के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक है। फूड बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए एक प्लेट में निकाल ली है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मीडियम साइज की संतरी गाजर ले ली है, साथ ही में मैंने 3 छोटे चम्मच साबूदाना ले लिया है, साथ ही में मैंने 3 छोटे चम्मच पीली अरहर की दाल ले ली है और साथ ही में मैंने 3 छोटे चम्मच पोहा ले लिया है। तो ये रेगुलर पोहा है, इजी से आपको परचून की शॉप में मिल जाएगा। गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर पैन रख लिया है, गैस की फ्लेम लो कर ली है। अब इसमें दोस्तों 3 छोटे चम्मच साबूदाना ऐड कर लेंगे और साथ ही में 3 छोटे चम्मच अरहर की दाल ऐड कर लेंगे। 20 सेकंड तक लो फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे और ऊपर आप क्लिप देख रहे होंगे जो संतरी गाजर है एक अलग पैन में बॉईल कर रही हूँ। अब इसके बाद दोस्तों पोहा ऐड कर लेंगे, 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे और बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो बस दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो साबूदाना दाल और पोहा अच्छे से भून चुके हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लें और मिक्सी ग्राइंडर में इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पाउडर है कितना मुलायम सा पीसा है, इसी तरीके से आपको भी पीसना है और जो संतरी गाजर उबाल के रखी थी उसकी भी एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो बस दोस्तों, आप गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर फ्राई पैन रख लेंगे, तो आप चाहे तो कढ़ाई भी रख सकते हैं। एक गिलास पानी ऐड कर लेंगे, पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम दोस्तों पाउडर जो हमने बनाकर रखा था वो ऐड कर लेंगे, तो ये 4 चम्मच के बराबर है। आप इसकी भी क्वांटिटी अपने बेबी के डाइट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके बेबी ने रिसेंटली खाना स्टार्ट किया है तो आप 1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हो और बहुत ही प्यूरी फॉर्म में इसको बनाकर बेबी को दे सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें दोस्तों 1 चम्मच के बराबर देसी घी ऐड कर लेंगे और जब तक इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि जो ये प्यूरी है लम्स फ्री ना हो जाए। अब इसके बाद दोस्तों हमने जो संतरी गाजर की प्यूरी तैयार करके रखी थी वो ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम लो रख लेंगे और इसे कम से कम आपको 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छे से उबाल आने देनी है। बीच बीच में चेक भी करती रहिएगा ताकि जो बेबी के लिए फूड बन रहा है वो पैन पे नीचे ना चिपके। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो नमक बेबी के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। बस दोस्तों, अब इसे फूड को बनने देंगे और देख रहे होंगे आप कितने कम समय में कितनी कम क्वांटिटी से बेबी के लिए एक वेट गेन हेल्दी रेसिपी तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को अपने बेबी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बेबी का वेट भी बहुत अच्छे से बढ़ने लगेगा और आपके बेबी की भूख भी अच्छी हो जाएगी और आपके बेबी को जैसे पाचन संबंधी समस्याएं होती है, पेट टाइट होना, पेट कड़क होना, पॉटी टाइट होना, तो वो सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप इसे ठंडा होने देते हैं और एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसकी आप क्वांटिटी देख रहे होंगे, इतनी क्वांटिटी जो है 8 महीने से ऊपर के बेबी के लिए काफ़ी होती है। तो बस दोस्तों, अब अपने बेबी को मैं रेडी कर लेती हूँ। जो मेरी बेबी है 1 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है, तो उसी के लिए ये फूड बनकर रेडी हुआ है। आप भी इस फूड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई फूड रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।